मीडिया के लोगों को से रोका जा रहा है, मीडिया पर भी चार घोषणा लग गया है ताकि किसी न किसी प्रकार से जो विपक्ष की जो आवाज है, जो जनता की जो आवाज है, जनता जनता जानना चाहिए जो कौन लोग हैं, ये इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इनका पैसा, खून कमाई का पैसा, मेहनत का कमाई का पैसा किसी प्राइवेट संस्थान को और बीजेपी के और जदयू के नेताओं को दिया जा रहा है। संजय जी हम तो खींचे कि दूसरा और आप जान रहे हैं किस प्रकार से मीडिया पे भी लगा हुआ है, तो हम लोगों के पास तो कोई रास्ता नहीं बचा। मेरा चैम्बर में भी इतनी जगह नहीं है, कहीं भी नहीं है, हाउस में हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, बाहर आप लोगों को बात नहीं करने दिया जा रहा है, तो हम लोग इसलिए हम लोग बचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जितने भी और इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि सरकार से क्या हुआ है उसकी कोई जानकारी नहीं है। अब तक कितना पैसा निकाला जा चुका है सरकारी पता है, कहाँ पैसा चला गया सरकारी खजाने में, कौन लोग के साथ किनको फायदा पहुंचा है, अपने पूरा अपना मॉल बना के दुकान बना रखा है, पूरा सुशील मोदी धन का उपयोग अपने महावीर मोदी को ये पूरा पैसा देने का काम किया है। ये सारी बातें जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होता है, और निष्पक्ष जांच तब तक नहीं करता जब तक हम लोग लोगों पे सीधे तौर पे आरोप लग रहा है और ये लोग बने हुए समाज हो ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग और ये इनका आरोप है इस आधार पर तेजस्वी यादव से सीबीआई के द्वारा जब एफआईआर दी गई जो हम आगे जा रहे थे, जो बंद करो बंद करो नेता प्रतिपक्ष है कि जब बंद करो नहीं होगा विधानसभा नहीं चलने देंगे, बंद करो
बंद करो। मोदी खजाना चोर, मोदी चोर, मोदी खजाना। अरे हम उठाए गद्दी चोर, गद्दी चोर, प्रस्ताव हम लोग देख रहे हैं। बोले चाचा का गद्दी चोर, गद्दी चोर। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोगों की मांग को ठुकराया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं, हमारे साथ महबूब जी हैं, सीपीएम माले के हैं। मांग को उठाने का काम शर्म करो, दोषी है। शर्म करो, शर्म करो। ज्यादा लुटवाया और पूरे शर्म करो, पैसे निकाले गए जो वित्तमंत्री विजिलेंस सारा मुख्यमंत्री अंदर डिपार्टमेंट आया कॉलेज में रहा 10 साल तक कार्रवाई करने का काम किया था उसने। दुर्जन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, दुर्जन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, फिर